नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है संगठन में नियुक्तियां, लेकिन हम बात करेंगे इनके होल्ड पर शुरू हुई सियासत की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को एक बार फिर कमलनाथ ने अपनी ताकत दिखाकर बता दिया है कि वे ही सर्वशक्तिमान हैं। इससे पहले भी हिंदू महासभा के बाबूलाल चौरसिया का मामला हो, या उपचुनाव में टिकट तय करने का, या फिर राहुल गांधी की यात्रा में जिम्मेदारी देने का, कमलनाथ हर मौके पर जताते रहे हैं कि वे ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के असल नाथ हैं। और इस बार उनकी सहमति से हुई अरुण यादव और जीतू पटवारी के समर्थकों की नियुक्तियों को होल्ड कराकर संदेश दे दिया है कि चुनावी साल में भी वे झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस में चल रही इस कलह पर बीजेपी मजे ले रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं प्रदेश की जनता पूरी कांग्रेस को होल्ड करने वाली है, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा प्रदेश में बीजेपी की सत्ता होल्ड पर होने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस नेताओं के झगड़े में उनके समर्थक पिस रहे हैं, और क्या प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ के एक छत्रराज को चुनौती दी जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ संगठन अपनी मर्जी से चला रहे हैं। उनकी इस मर्जी के खिलाफ कांग्रेस में ही दबे हुए सुर अब उठने लगे हैं कि तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कमलनाथ के वर्चस्व को चुनौती दे सके। अध्यक्ष बनने के बाद से ही कमलनाथ बेरोक टोक फैसले ले रहे हैं। पहले उन्होंने जिला अध्यक्षों को अलग किया, फिर हिंदू महासभा से पार्षद बने ग्वालियर के बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करवाया, जिसका विरोध पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भी किया। इसके बाद विंध्य में अजय सिंह के धुर विरोधी चौधरी राकेश सिंह को प्रभारी बनाकर भेज दिया, और अब इंदौर खंडवा खरगोन के जिलाध्यक्षों को होल्ड कर दिया है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस में अपने खिलाफ उठने वाले हर सुर को शांत कर देते हैं। कुछ दिनों पहले ही अरुण यादव और जीतू पटवारी ने सीएम प्रत्याशी के रूप में कमलनाथ की उम्मीदवारी का विरोध किया था। इससे नाराज कमलनाथ ने जीतू पटवारी के समर्थक इंदौर जिला अध्यक्ष और अरुण यादव के समर्थक खंडवा जिला अध्यक्ष को होल्ड करवा दिया। अब कांग्रेस में जिला अध्यक्ष को होल्ड करने के फैसले पर सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेसी होल्ड पर रखी हुई है। श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेसी होल्ड पर रखी हुई है। इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं, और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर ही रखने वाली है। उधर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने शिवराज के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शिवराज की सत्ता होल्ड पर जाने वाली है, जैसे 2018 में चली गई थी। एक नाकाम मुख्यमंत्री के बड़बोली बातें हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि वो डर चुके हैं आगे आने वाले समय में सत्ता उनकी होल्ड पर जाने वाली है। जिस तरह जनता ने 2018 में उनकी सत्ता के ऊपर होल्ड का मार्क लगाया था, होल्ड पर सत्ता में चले गए थे और फिर किस तरह से सरकार ने वापसी करी ये सब जानते हैं। तो दोबारा शिवराज जी अपनी सरकार की चिंता कर लें वो बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से आने वाली है सरकार में, और उनको चिंता सता रही है कांग्रेस पार्टी के आने की। जनता उनको होल्ड पर डालेगी 2023 के चुनाव में, ये हमारा दावा नहीं, ये जनता की मन की बात है। कांग्रेस में गुटबाजी के साथ साथ कमलनाथ की मनमानी भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। कई कांग्रेसी नेता कमलनाथ के फैसलों के प्रति नाराजगी जता चुके हैं, किंतु इससे कमलनाथ का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए अब कमलनाथ का विरोधी गुट उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कमलनाथ को सीएम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादिर टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश खातरकर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शंकरलाल तिवारी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बड़ी देर बाद नियुक्तियां हुई थी, सोचा था चुनावी साल में पूरे जोर से सत्ता पलट करने के लिए आप तैयारियां करेंगे, जोर से लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपस में लड़ाई चल रही है। पहले नियुक्तियां करते हैं फिर होल्ड कर देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पर है और जनता भी अब आपको होल्ड करने वाली है। कमलेश जी, ब्रजेश जी, आपने जो नियुक्ति को होल्ड करने का मामला उठाया है, तो ऐसे नियुक्तियां को होल्ड करने की बात है, उन्हें हटाया नहीं गया है, और जिन कारणों से होल्ड किया गया है या तो उनके स्थान पर नई नियुक्ति की जाएगी या तो
उन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता है उन नियुक्ति को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस मुद्दे पर टिप्पणी ना ही करते तो बेहतर होता, कि नर्सिंग के छात्र पेपर लीक होने के मामले पर प्रदर्शन कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी चुप है। और रही बात नियुक्ति को होल्ड करने की, तो आप अपनी पार्टी में देख लीजिए कि कितने आपके पूर्व मंत्री मंत्री बनने की राह देख रहे हैं, आज बनेंगे या कल, बचाने के लिए लगे हुए हैं। आए दिन चर्चा चलती रहती है कि अब हटने वाले हैं, इसके बाद कहीं बी डी शर्मा जी का नाम चलने लगता है, कहीं नरोत्तम मिश्रा जी का नाम चलने लगता है, लेकिन आज तक कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो शिवराज सिंह जी इस समय अब वर्तमान में, लेकिन आपके यहाँ तो क्लियर हो गए थे ना, बड़ी सोच विचार के बाद क्या कमलेश, बड़ी सोच विचार के बाद, बड़ी देर बाद नियुक्तियां हुई थी कमलेश जी, बड़ी सोच विचार के बाद, सर्वसम्मति के बाद नियुक्तियां हुई थी, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि होल्ड भी किया गया तो उन्हीं क्षेत्र के पदाधिकारियों को किया गया जिन्होंने थोड़े बहुत मुखर होकर बोल दिया था कि फेस सीएम फेस नहीं है कमलनाथ जी, ये वजह देखी जा रही है सियासत में, इस पर चर्चा हो रही है। प्रदेश जी मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। सियासत के गलियारों में चर्चा हो रही है कि उन्हीं लोगों के क्षेत्र के पदाधिकारियों को क्यों होल्ड किया गया जो मुखर हो रहे थे, जो कह रहे थे कि सीएम फेस नहीं है कमलनाथ जी। देखिए अभी वर्तमान में अभी चुनाव होने वाले नहीं है और 28 के चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और ये आप अरुण यादव जी के बयान देख लीजिए, चाहे जीतू पटवारी के या प्रत्येक कांग्रेस नेता की यही बयान है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव को लड़ा जाएगा। तिवारी जी नेतृत्व तो कमलनाथ का होगा, इसमें कोई संदेह आपको भी नहीं है और मुझे लगता है दर्शकों को भी नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार दिखा चुके हैं और बार बार अपने ही नेताओं को ये दिखा चुके हैं अपनी ताकत का दम कि किस तरह से उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती, चाहे मानक अग्रवाल को निष्कासित करने का मामला हो, चाहे खंडवा में उपचुनाव का मामला हो और फिर चाहे भारत जोड़ो यात्रा में जिम्मेदारी देने का मामला। लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं बीजेपी होल्ड पर जाने वाली है, वहाँ तो कई मंत्री की इंतजार कर रहे हैं, कई नेता इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए। मुझे तो मजा आता और प्रदेश की जनता भी मजा ले रहे हैं क्योंकि कमलनाथ जी, आप ज्यादा मजा ले रहे हैं बीजेपी वाले कांग्रेस की कलह का, ये तो आपकी कृपा चौकसे जी, ये आप विषय देते हो तो हम सब मजा लेते। मैं ये कह रहा था कि प्रदेश की जनता भी मजा लेने लगी क्योंकि वो कई बार से सुन रही है जब इन अल्पमत में आई सरकार तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो 5 तारीख को झंडा के 15 अगस्त को, फिर इन्होंने कहा कि अब हम 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे कमलनाथ जी, फिर कहा कि नहीं 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 हम तो शपथ लेने वाले हैं 15 तारीख को, और अभी पोस्टरबाजी शुरू हुई, एक तरफ से पोस्टर लगने शुरू हुए कि कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री, अगली सरकार कमलनाथ जी मेरे यार, वैसे यार सक्रिय हो गए। और यार सक्रिय क्या हो गए, जीतू पटवारी जी का जलवा देखा था, राहुल जी की गाड़ी में बैठ के घूम रहे, जब किसान आंदोलन में एक बार राहुल जी आए और कर्जा माफी का झूठा नारा, 10 दिन में माफ नहीं मुख्यमंत्री साफ, मैं जानता हूँ 25,000 लोगों के कर्जे माफ हुए, विधानसभा में कंवल पटेल जी ने स्वीकार किया पर 1 रुपए खजाने से किसी बैंक को दिया नहीं गया, पूरी कोऑपरेटिव सिस्टम सोसाइटियों को तहस नहस कर दिया गया, 1 रुपया किसी लीड बैंक को सरकारी बैंक को दिया नहीं गया, सुन लो मैं उंगली के पहले बता रहा, और 25,000 के कर्जे माफ हुए। आपके नेता का कहना था कि 10 दिन में 2 लाख के कर्जे माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, फिर आप लाल पीले हरे पर्चे छपाने लगे और आप कहते हो कि हमारी सरकार चली गई, तो यही चक्कर, ये जो अभी आप कह रहे थे ना कि कमलनाथ जी, चौकसी जी हमारे कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने अपना दमखम दिखा दिया, राजनीति में दमखम दिखाने से नेतागिरी नहीं बढ़ती, राजनीति में दमदार लोगों को साथ में लेने से नेतागिरी बढ़ती है, मैं कमलनाथ जी के सिखाने लायक नहीं हूँ, उनने दमखम तो दिखा दिया पर छत्रप जगह जगह खड़े हो गए, कांग्रेस कभी संगठनात्मक चली नहीं, उनके क्षेत्रीय छत्रप होते थे, मैं गिना देता हूँ कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, एक जमाने में ज्योतिरादित्य जी रहे, अब आज कोई है ही नहीं हुआ, राहुल सिंह, गोविंद सिंह, और इसी तरह से
आपके महाकौशल में भी कुछ लोग ये छत्रप उठ बैठे, और छत्रप जो है पूरे 4 साल से अपमानित हो रहे थे, 7.5 साल से। सरकार बनी, दिग्विजय सिंह जी का मन था कि कुछ दिन में ये गोल हो जाएंगे मध्य प्रदेश से, वो हुआ नहीं। सरकार चली गई, बड़ा तेज हल्ला हुआ कि कमलनाथ जी बोरी बिस्तर बांध के दिल्ली जा रहे हैं, कांग्रेस के हल्के से हुआ ये हल्ला, पर वो भी नहीं हुआ। और नतीजा ये हुआ कि आज अब पूरी की पूरी कांग्रेस माइनस टू कमलनाथ एंड उनके फॉलोवर, पूरी की पूरी कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान के बजाय कमलनाथ भगाओ अभियान में लग गई। ठीक है, कमलनाथ जी की हिम्मत को मैं दाद देता हूं कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी, वो ज्ञान बता रहे, अरुण यादव जी चुनाव लड़ते लड़ते और कह दिया था इन्होंने कि अब मैं लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ूंगी, और इस नाते कांग्रेस की स्थिति है। बड़ी मजे की बात, हिदायतुल्ला साहब की बाइक आई थी, वो तो इतने उत्तर दे रहे हैं, कोई भी सवाल पूछो रेगुलर देख लीजिएगा उनकी, दो चार पूछू मैं मन की बात कह रहा हूँ। हिदायतुल्ला आपके हैं तिवारी जी, सरकार आने वाली है, सरकार में जनता बैठी है, पर सच ये है कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की जनता के, महिलाओं के, बेटियों के, नौजवानों के, किसानों के दिल में बसे हुए, हमारे विकास के कार्य, हमारी जनकल्याणकारी योजना। आपने जो आरोप लगाया उनका जवाब ले लेते हैं, ले लो अगर हो। कमलेश जी वो कह रहे हैं दमदार लोगों को दम दिखाने से कोई मतलब नहीं है, यानी समन्वय बना के चलना चाहिए था, जो 4.5 साल से अपमानित हो रहे थे वो सब एकजुट हो गए, कमलनाथ भगाओ अभियान चल रहा है। अब सीधा जवाब दे दीजिए, फिर आशीष जी के पास जाऊंगा। शंकर लाल तिवारी जी से मेरा आग्रह है कि आप कांग्रेस के छत्रपों की चिंता करने के बजाय अपने छत्रपों की चिंता कर लीजिए। जयंत मलैया, आप प्लीज तिवारी जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप वरिष्ठ है मेरे, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपकी आपकी बात बातों के बीच में मैंने नहीं बोला, तो मेरी बात धैर्य पूर्वक सुन लेंगे, उसके बाद आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। प्लीज मेरा निवेदन है आपसे तिवारी जी, नहीं आप चिंता कर रहे हैं, मुझे गंभीर आपकी बातों से चिंता नजर आ रही है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जयंत मलैया जी का क्या होगा, जिनको आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया था, और आपके वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी जहाँ वहां जाकर पब्लिक में खेद जताते हैं कि ये पार्टी की बहुत बड़ी भूल थी, मतलब वो सीधे सीधे आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पे सवाल उठाते हैं। फिर आप गौरीशंकर सेजवाल जी की स्थिति ले लें, उनके साथ क्या हो रहा है। अब आप ये तय कर लीजिए आने वाले चुनाव में कि गौरीशंकर सेजवाल जी चुनाव लड़ेंगे या प्रभुराम चौधरी जी चुनाव लड़ेंगे। आप लाल सिंह आर्य जी का बयान देख लीजिए, जब वो चुनाव हारे थे उन्होंने ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों की वजह से मैं चुनाव हार रहा हूं। तो आप अपने नेताओं की चिंता कर लीजिए कि आप अपने छत्र पर वो संभाल के रख लीजिए। आपके पूर्व मंत्री जो 10-10, 15-15 साल मुख्य मंत्री रहे हैं बड़े, जिनके नाम रहे राजेंद्र शुक्ल जी जैसे, वो अपने मंत्री बनने की राह देखते देखते ही पूरा समय निकलता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आशीष जी से कमेंट दे लेता हूँ। आशीष जी, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई चुनौती दे रहा है कमलनाथ जी के राज को, कोई षड्यंत्र चल रहा है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनौतियां हैं, ये कमलनाथ के जो कुछ समर्थक हैं, जो अति उत्साही है, वो खुद पैदा कर रहे हैं। ये एक अजीब सी स्थितियां हैं कांग्रेस में, कई चीजें जो है पहले से एक सेट पैटर्न पे चलती आई है, इस बीच में ये सारा विवाद खड़ा हो रहा। ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस कुछ सामने अनुकूलताओं को देखने के बावजूद भी अपने भीतर प्रतिकूलताओं को तलाश कर, तो ये इस तरह की स्थितियां हैं कांग्रेस में। जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ अभी जो हो रहा है वो नहीं, इसके पीछे एक लंबे समय से जो एक वरिष्ठ नेताओं के बीच में एक जो अनरेस्ट है, जो उनको ऐसा लगता है कि वो उनको महत्व नहीं मिल रहा है या उनको उपेक्षित किया जा रहा है, वो सारी छटपटाहट भी इसमें जुड़ी हुई। तो ये जो भावी मुख्यमंत्री का जो एक कैंपेन शुरू हुआ, जो बताया गया कि कार्यकर्ताओं ने किया है, लेकिन ये ऐसे कैसे संभव है कि इतने बड़े नेता की अनुमति के बिना शुरू हो जाए? तो इन सब चीजों का एक रिएक्शन जो है वो अलग अलग तरह से सामने आ रहा है। जहां तक कमलनाथ की कार्यशैली की बात है, तो कमलनाथ ने करीब 30-35-40 साल हाईकमान के साथ ही काम किया है, तो उनकी शैली में वो पुट जो है, वो जो एक
एक जो स्टाइल है वो उनका हाईकमान जैसा स्टाइल, और वो लाजमी भी है क्योंकि बहुत बड़े नेता है। तो लेकिन मध्य प्रदेश में जो जिस पिच पर वो खेल रहे हैं वहां पर उनको थोड़ा सा अपनी शैली को थोड़ा सा और बेहतर करना होगा, क्योंकि जब 2018 में कमलनाथ मध्य प्रदेश आए थे तो उनके साथ एक बड़ा खास एक ऑरा आया था, एक उनकी जो उनका जो नेतृत्व है, उनकी जो छतरी है उसके नीचे सब इकट्ठे हो गए और बहुत सहज भाव से हुए थे, सब लोग एक साथ हो गए। अब वो चीज नजर नहीं आ रही, तो बेहतर ये होगा कि कमलनाथ, वैसे जितना मैं समझता हूँ कमलनाथ का अपना कोई बहुत ज्यादा उनका कोई गुटी तकाजा है इस तरह का कुछ चीजें नहीं, लेकिन एक समस्या क्या है कि बहुत, जो मुझे समझ आता है कि बहुत ज्यादा अपने साथ जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके उनका जो कोर ग्रुप है उस पर भरोसा करते हैं, तो एक तरह से कमलनाथ के समर्थक ही कमलनाथ दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। ये उन्हें देखना भी चाहिए कि कहीं लोग अपना स्कोर उनके, ठीक है आशीष जी मैं रोक रहा हूँ आपको, एक बड़ी खबर आ गई है। वो बड़ी खबर ये है कि जो घमासान चल रहा है, भले ही कमलेश जी उसको स्वीकार ना करें कि कांग्रेस में कोई घमासान है, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा का बयान आ गया कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस में चल रहा है षड्यंत्र। कमलनाथ समर्थक पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान है, उन्होंने कहा है कि अरुण यादव ने ही वो नाम दिए थे, गलत नाम दिए थे ताकि कटघरे में खड़ा किया जा सके कमलनाथ को। तो षड्यंत्र तो आपके यहाँ से ही आवाज आने लगी है कमलेश जी, सज्जन सिंह वर्मा खुद कह रहे हैं कि षड्यंत्र चल रहा है उनके खिलाफ, और आप ही के नेता कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं जिनमें अरुण यादव का नाम ले रहे हैं कमलेश जी। अब ये सज्जन सिंह वर्मा जी अपने बयान पे स्पष्टीकरण तो स्वयं ही देंगे, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हमारी पार्टी में परंपरा रही है कि विधायक दल मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करता है, और 2018 में भी हमने यही किया था कि माननीय कमलनाथ जी को भरपूर मतों से विधायकों ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया था इस प्रदेश का, और यही परंपरा मुझे रहना लगता है कि आगे भी चलने वाली है। तो ये परंपरा भी तो आप ही ने तोड़ी ना कमलेश जी, भाभी सीएम कमलनाथ, लौट के आ रहे हैं कमलनाथ। देखिए ये 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 पोस्टर क्या होता है कि मेरे जैसे कई उत्साही कार्यकर्ता है जो कमलनाथ जी के किए हुए अच्छे कार्यों को वापस से जनता के बीच में लाना चाहते हैं, जो अधूरे काम जो छूट गए हैं उसे पूर्ण कराना चाहते हैं, इसलिए मेरे जैसे कई उत्साही कार्यकर्ता चाहते हैं कि कमलनाथ जी इस प्रदेश के मतलब पूरी कांग्रेस बैकफुट पे आ गए। आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आशीष जी कोई सवाल है आपका? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये जो कैंपेन है अगर ये कार्यकर्ताओं की तरफ से आया है और इसको लेकर इतना विवाद हो रहा है, तो कमलनाथ अभी तक ये साफ अपने निर्देश क्यों नहीं दे रहे इसको बंद किया जाए। ठीक है कमलेश जी, यदि इस पर कोई विवाद हो रहा है, कुछ लोग इससे नाराज हैं या वो उससे संतुष्ट नहीं है, परंपरा टूट रही है, तो क्यों नहीं कहा कह दिया जाता है कि इसको वापस ले लीजिए? इससे कोई नाराज नहीं है, और आप आने वाले समय में देख लीजिए कि आने वाला चुनाव, ये हम नहीं कह रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है कि नाराज नहीं है कोई, अब तो आप ही के पार्टी से आवाज उठने लगी है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो भी चुनावी साल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कोई लड़ाई नहीं है, और आप ये निश्चित मानिए कि आने वाला चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, चाहे आप जीतू पटवारी जी का बयान देख लीजिए, अरुण यादव जी का बयान देख लीजिए, अजय सिंह जी का बयान देख लीजिए, किसी में भी इस बात को लेकर मतभेद नहीं है कि आगे आने वाला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और जिसके भी नेतृत्व में लड़ा जाएगा कांग्रेस पार्टी की बहुमत से सरकार बनने वाली है, और हमारे दल के विधायक, हम कांग्रेस के विधायक मिलकर विधायक दल का नेता चुन लेंगे, जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि पिछले 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान जी के जो कारनामे हैं उससे तो कमलेश जी इतनी सी बात थी, जो बात आप कह रहे हैं वही तो उन्होंने की थी, उनके उनके पदाधिकारियों को होल्ड कर दिया, और अब सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं गलत नाम दिए थे, षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए ये तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि होल्ड करने का कारण कुछ और भी हो सकता है, जो भी अंदरूनी कारण होगा उसको, अब ये सज्जन सिंह वर्मा जी की जानकारी हो सकती है, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते आपसे एक ही बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि जिन भी कारणों से जिन नामों को होल्ड किया गया है और उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा। ठीक है तिवारी जी, आपके लिए खुश होने के लिए एक और खबर आ गई, अब तो वर्मा जी भी पुष्टि कर रहे हैं कि कलह है अंदर, लेकिन कलह आपके घर में भी है, उनकी कलह देख के खुश होकर करने की जरूरत नहीं है। जी कमलेश जी कुछ कह रहे थे, कमलेश जी कुछ कह रहे थे आप? हेलो जी, हेलो जी तिवारी जी, क्या करना है मुझे, बोलना है क्या? हाँ आप ही को बोलना है। मैं ये कह रहा था कि
मैं तो सुन के बहुत चक हो जाता हूँ भाई। बच्चा बच्चा जो थोड़ी सा भी राजनीति में दखल रखता है, अखबार भी पढ़ता है, वो आप भी जानते हो, आदरणीय आशीष जी भी जानते हैं, और भैया मेरे के ये भी जानते हैं कांग्रेस के प्रमुख, कि सज्जन सिंह वर्मा अगर बोल रहे हैं तो ये मान लो कि कमलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा और कमलनाथ की केमिस्ट्री, इसको भी झुटला दे मेरे कमलेश जी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और सज्जन सिंह वर्मा तुरंत नहीं बोले, 3 दिन के भीतर जो ये सारा चक्रम चला है इस पे वो बोले हैं। हमारे कमलेश जी ने शुरू किया था कि होल्ड नहीं किया गया, और मुख्यमंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए, मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष एक कैडर के लोग हैं। अगर कमलनाथ तिवारी जी, मैं माफी चाहता हूँ आपको टोक रहा हूँ, सज्जन सिंह वर्मा की बाइट आ गई, वो सुना देता हूँ मैं कमलेश जी को, सुनाइए सज्जन जी क्या बोल रहे हैं। करते हैं कि कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन जो नेता कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद पे आसीन होने पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, अरुण यादव जैसे लोग, ये उन्हीं की रिकमेंडेशन है जो होल्ड की गई है, और इनके खिलाफ हजारों हजार शिकायतें आ चुकी हैं। एक तरफ तो आप गलत नाम देते हैं, और यदि कांग्रेस उनको सुधारती है तो कमलनाथ जी पे आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें दखल देने की मैं नहीं समझता आवश्यकता है। हम यदि गलत होता है उसे बदलने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बदलाव हो जाए और किसी अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति हो जाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि तड़ी पार कोई ऑल इंडिया बीजेपी का अध्यक्ष बना दो, तड़ी पार लोग चिल्लाते रहे, लेकिन आपने बदला नहीं, क्योंकि आपको अपने गिरेबा में झांकने का। सुन लिया कमलेश जी आपने, वो कह रहे हैं गलत नाम पहले उन्होंने ही दिया था और उन पर हजारों शिकायतें आ गई इसलिए होल्ड कर दिया। ये तिवारी जी आप अपनी पूरी बात कीजिए फिर कमलेश जी जवाब लेंगे। जी मैं ये कह रहा था कि शुरू किया था कमलेश जी ने पिछली बार कि होल्ड किया है, हटाया नहीं है। यार कौन सी हिंदी अंग्रेजी समझा रहे हो, होल्ड किया हटाया नहीं, फिर एक सेकेंड में बोल रहे हैं किया तो नए लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी, और या तो फिर जब नए नए लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी जिसका नाम एक बार घोषित हुआ, और अब संजय लेकिन वो वर्मा जी कह रहे हैं ना कि गलत लोगों की नियुक्तियां हो गई थी, हम उनको हटा के नए लोगों को ला रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि सही कर लेते हैं कुछ गलती हो जाती है तो, लेकिन आपके यहाँ नहीं होती। अब तो सज्जन सिंह जी का बयान आ जाने के बाद ये निकट आई हो, अरुण यादव का नाम लेके कह रहे हैं कि आप अपराधी तत्वों को गलत लोगों की सिफारिश करके उन्हें अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। अगर कमलनाथ जी बड़ी साफ सुथरी कांग्रेस रख रहे हैं तो आप कमलनाथ जी का विरोध कर रहे हैं, इससे निकट आई और निकट ये डायलॉग कुछ नहीं हो सकता है। जवाब ले लेते हैं जी, खत्म कर लेते जी, माफी चाहता हूं मेरे को आपने समय कम दिया चौकसे जी, जी लड़ाई होगी मेरी आपकी। हाँ बाद में लड़ लीजिएगा, कमलेश जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि एक बात तो ये बता दे कि गौरीशंकर और पता नहीं कौन कौन नाम ले रहे थे, 20 वर्ष में जब से आप राजनीति कर रहे हो तभी से सही, आपने सुना है कि कोई कांग्रेस का विधायक मध्य प्रदेश में नेता पार्टी छोड़ के गया हो, और आपके यहाँ तो बाजार लग गई यार, आप उनको बिकाऊ और जयचंद पता नहीं कितनी गालियां देने लगे। अरे आप घर वापसी अभियान चला रहे हैं वो, और जहाँ तक सरकार बनने की बात है, सुनिए समय नहीं है, मैं अपने समय में से दे रहा हूँ उनको, की बात है मैं कह रहा हूँ चुनौती पूर्वक। तिवारी जी, तिवारी जी प्लीज प्लीज, मेरी बात पूरी होनी। ठीक ठीक है कमलेश जी, देखिए सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान से स्पष्ट है कि जिन नियुक्तियों को होल्ड किया गया उनके खिलाफ कार्यकर्ताओं की कोई शिकायतें आई हुई थी, और उन शिकायतों के आधार पर होल्ड किया गया है, ये हमारी पार्टी में परंपरा है, उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन आपकी पार्टी में ऐसी कोई परंपरा नहीं लेकिन है। लेकिन अरुण यादव का नाम भी तो ले रहे हैं ना कमलेश जी। हाँ अरुण यादव जी ने दिया था, आप अपने अपनी पार्टी में देख लीजिए कि किसानों के ऊपर सरेआम जो गाड़ी चढ़ाता आ जाए मिस्टर टेनी जिसका बेटा, समय भी जाते देते इतनी चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो होल्ड पर चल रही है सियासत में, अब कौन ओल्ड होगा
और कौन होल्ड पर जाएगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब मतदाता अपना फैसला देंगे। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से माहौल बन रहा था चुनावी साल में, कहीं ना कहीं अंतर्कलह की वजह से कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर होगी। मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।